लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर मालिक और कर्मचारियों से छीने 50,000 रुपए। खरगोन जिले के बड़वाह शहर में कॉलोनी और दुकानों में चोरी की वारदात के बाद अब लूट जैसी घटनाएं कई बार हो चुकी है, जिसकी कार्यवाही केवल अब सीसीटीवी फुटेज कैमरे की छानबीन तक सिमट कर रह गई है। ऐसी घटनाओं के बाद जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी केवल मामले को संज्ञान में लेकर अपने अधीन थाना प्रभारी को जल्द कार्यवाही कर चोरों की तलाश के लिए निर्देश देते दिखाई देते हैं। लेकिन लूट और चोरी की वारदात से जुड़े अज्ञात चोर आज भी अलग अलग जगहों पर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 30 जून शुक्रवार शाम 7 बजे महेश्वर रोड स्थित रत्नपुर फाटे के समीप ओम साई फिल एंड फ्लाई पेट्रोल पंप पर शुक्रवार शाम दो अलग अलग बाइक पर 4 नकाबपोश युवक आए, जिन्होंने पंप कर्मचारी से पैसे मांगे, नहीं देने पर फायर किए। इस लूट की जानकारी देते हुए पंप पर उपस्थित कर्मचारी जितेंद्र पिता विजय सिंह राजपुर उम्र 36 वर्ष निवासी रतनपुर फाटक ने बताया कि शाम करीब 7 बजे में अन्य कर्मचारी अनिल पवार के साथ पेट्रोल पंप पर बैठा था। इस दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दो युवक बाइक से पहले मेरे पास आकर खड़े हुए। उनसे मैंने कहा कि पेट्रोल डलवाना हो तो सामने वाली मशीन पर डलवा लो। मेरी इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद एक बाइक पर मुंह पर कपड़ा बांधे दो युवक और आए, जिन्होंने मुझे कट्टा दिखाकर मेरे से पैसे मांगे। जब मैंने रुपए देने से मना किया तो उन्होंने फायर किए। एक गोली दाहिनी तरफ मेरी जांघ में तो दूसरी गोली मेरी दाहिनी हाथ में कंधे पर लगी, जबकि तीसरा फायर मेरे बाएं पैर के पंजे पर लगा। वहीं बाइक पर बैठे एक युवक ने कट्टे के पिछले हिस्से से मेरे सिर पर मारकर मुझसे पैसे मांगने लगा। इस दौरान बाइक पर बैठे अन्य युवक ने मेरे जेब से पर्स निकाला और अनिल का मोबाइल छीन लिया। वहीं उनमें से एक युवक पंप मालिक आशीष चौरसिया के पास गया और चौरसिया से करीब 35,000 रुपए छीने और गोलू के पास से करीब 15,000 रुपए छीन लिए, जिसके बाद सभी अज्ञात बाइक सवार फायर करते हुए महेश्वर रोड की तरफ भाग गए। इस लूट की वारदात के बाद पंप मालिक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पेट्रोल पंप और महेश्वर रोड स्थित अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अज्ञात युवकों की तलाश में जुट गई है। इस घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक धनवीर सिंह यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कैमरे के फुटेज देखने के साथ ही इस वारदात की पूरी जानकारी ली और थाना प्रभारी को जल्द से जल्द अज्ञात बदमाशों को तलाश कर हिरासत में लेने के लिए निर्देश दिए। गुंडे लोग आ गए थे, उन्होंने गोलियां चलानी चालू कर दी थी। तो क्या आप वहीं कहां खड़े थे? हम बैठे हुए थे, दो आदमी बैठे हुए थे, पाउच खा रहे थे, तो एकदम ही गोलियां चालू कर दी। कितने क्या लूटना कर ले गए? पर्स ले गए, मेरा पर्स छीन के ले गए और एक भैया का मोबाइल छीना था और वही फेंक दिया। कितने जने थे? पैसे मांग रहे थे तो हमारे पास पैसे थे ही नहीं। कितने जने थे वो? 4-5 जने थे। कितनी फायरिंग करी होगी? 4-5 फायरिंग करी होगी। यहाँ आकर के गोली चला करके 35,000 रुपये लूट की घटना खारिज की है। उसमें एक कर्मचारी को रिपोर्ट भी आया है। गोली चलने की बात भी आ रही थी? हाँ, गोली चला के उन्होंने लूट की है यहाँ पर और हमने लूट के दौरान में मामला कार्य कर लिया है और उसमें विवेचना के दौरान में लूट की राशि क्या है मालूम पड़ी है सर? अभी इन्होंने बताया है जैसे कि 35,000 रुपये इनके जेब में से थे, पैसे उठाते हैं 35,000 रुपये। तीन लोगों से अलग अलग लूट हुई है? तीन लोगों नहीं, बाकी दूसरों के पास में एक कर्मचारी ने बताया कि उसके पास से भी कोशिश की थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बढ़वा हूँ। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।